हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन स्टू। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ मटन को वॉश करके हाफ के जी मटन ले लिए हैं, और ये प्याज तीन बड़ी साइज़ के हमने काट के रखे हुए हैं, और अदरक लहसुन चॉप करके रखे हुए हैं, और कुछ गरम मसाले। तो यहाँ हम कुकर लेंगे, कुकर में ऑयल डालेंगे और इसे हीट होने देंगे। ये मेरी ऑयल अच्छे से हीट हो गई है, इसे में हम जो खड़े मसाले हैं वो डालेंगे। तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी इसमें हम डालेंगे और ट्रेकल करेंगे। अब इसमें हम प्याज जो कटी हुई थी वो इसमें हम डाल देंगे। प्याज जो है ना, मटन अगर हाफ के जी आप मटन दे रहे हैं तो उससे कम प्याज आप लीजिएगा, बराबर प्याज नहीं लेते वरना ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। हम इसमें प्याज डालें, और प्याज को डालने के बाद इसे हम क्या करेंगे, लाइट पिंक होने तक इसे हम ऐसे चलाएंगे। हमारी प्याज का कलर जो है चेंज हो गया है। अब इसे हम मटन डालेंगे। इसमें हम मटन डालेंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज में। और ये जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप किए थे इसे इसमें हम डाल देंगे। और ये हमारे खड़े मसाले यानी कि खड़ा जीरा और खड़ा गोल मिर्च, ब्लैक पेपर। यहाँ हम धनिया पाउडर यूज़ किए हैं क्योंकि हमारे पास धनिया था नहीं, तो आप चाहे तो धनिया को क्रश करके आप इसमें डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर ज़्यादा ना डालिएगा। और हमने एक टमाटर कट करके डाले हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ ग्लास तक, क्योंकि इसमें हम प्याज ज़्यादा है ना, प्याज से ही ज़्यादा ये गलते हैं। थोड़ी सी पानी, अब लीड लगा लेंगे। लीड लगा लेंगे उसके बाद हम हाई फ्लेम पे एक विशल आने तक हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद से धीमी फ्लेम पे दो से तीन या तीन से चार विशल आने तक हम वेट करेंगे। उसमें आपको जो मटन जो है अच्छे से गल जाएंगे। हमारे मटन गल गया है, हमने इसके जो प्रेशर था वो हमने निकाल लिया, और साइड में कढ़ाई लेके हमने इसको पानी जो भी थे उसको हमने ड्राई करना है। ये मटन का प्राय पानी जो है हम ड्राई कर रहे हैं।